हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करेंगे। इसमें मैं कुछ ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री पहले ही कर चुका हूं। अब एक एक एंट्री को लेकर हम उसे समझेंगे और उसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे, यानी लेजर अकाउंट बनाएंगे। इस वीडियो से पहले मैं लेजर की दो वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुका हूँ। फर्स्ट वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी, जिसमें मैं लेजर की मीनिंग, डेफिनेशन और उसके इम्पॉर्टेंस क्या है, उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, साथ ही साथ इसका फॉर्मेट कैसा होता है, इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और सेकंड वीडियो में लेजर में पोस्टिंग कैसे की जाती है, उसके रूल्स क्या होते हैं, डेबिट में हम किस तरह से लिखते हैं, क्रेडिट में किस तरह से लिखते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बता चुका हूँ। आप इन दोनों वीडियोज़ को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए जर्नल एंट्री को समझते हैं और उसका एक एक करके हम लेजर अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे ऊपर लिखते हैं लेजर ऑफ, जिस भी कंपनी का हम लेजर बनाएंगे उसका हम नाम यहाँ लिखेंगे, और इसके नीचे ही हम जो भी अकाउंट बनाते हैं, जो भी लेजर अकाउंट बनाते हैं उसका नाम लिखते हैं। और ये लेजर का फॉर्मेट है, जैसा कि आप देख सकते हैं यह टी शेप में होता है, इसलिए इसे टी अकाउंट भी कहते हैं। ये लेफ़्ट साइड या डेबिट की साइड होती है और राइट साइड क्रेडिट की। अब जिस तरह इस डेबिट साइड में पहला कॉलम डेट का होता है, दूसरा पर्टिकुलर्स का, और तीसरा JF यानी जनरल फोलियो, और चौथा अमाउंट का, इसी तरह ये चार कॉलम क्रेडिट के साइड भी होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट। अब जनरल एंट्री से जो पोस्टिंग हम इस लेजर अकाउंट में करते हैं, अगर वो डेबिट साइड लिख रहे हैं टू वर्ड का यूज़ करते हैं, और अगर वो पोस्टिंग क्रेडिट साइड की जाती है तो बाई का यूज़ करते हैं। तो ये हमारी जर्नल एंट्री है। आइए एक एक करके इसका हम लेजर अकाउंट बनाते हैं। अब इस जर्नल में हमारी जो पहली एंट्री की गई है वह है 2021 अप्रैल 1 को, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो अब सबसे पहले हम कैश अकाउंट का लेजर बनाएंगे। तो हमारा लेजर का फॉर्मेट ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ पर हम बस लिख देंगे कैश अकाउंट। तो अब जर्नल में यहाँ कैश अकाउंट को डेबिट किया गया है, तो लेजर में जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे तो वह भी डेबिट साइड ही करेंगे, यानी वो भी हम लेजर अकाउंट के डेबिट साइड इसकी पोस्टिंग करेंगे, पर हम कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे, उसकी जगह हम ये कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। चाहे हम किसी भी अकाउंट का लेजर बनाएं, जिसका लेजर बना है उसका नाम हम उस लेजर में नहीं लिखते हैं। तो यह हमारा कैश अकाउंट का लेजर है और यह लेफ्ट साइड इसकी डेबिट साइड है। तो यहीं पर हम इसकी पोस्टिंग करेंगे, डेट में लिख देंगे 2021 अप्रैल 1, कैश अकाउंट यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब इसकी अपोजिट एंट्री जो है वह कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, तो टू कैपिटल अकाउंट। अब कैश अकाउंट का लेजर बनाए हैं तो कैश अकाउंट को जब डेबिट किए हैं तो इसी के सामने वाली अमाउंट हम इसमें लिखेंगे, यानी 1 लाख। तो ये 1 लाख हम कैपिटल अकाउंट के सामने लिख देंगे। तो ये कैश अकाउंट का हमारा लेजर बन गया है। अब अगला लेजर हम बनाएंगे कैपिटल का। तो हमारा ये लेजर का फॉर्मेट ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ हम लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जर्नल एंट्री में कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया गया है, टू कैपिटल अकाउंट। तो लेजर में जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे तो वह भी क्रेडिट साइड ही करेंगे, पर हम कैपिटल अकाउंट का नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट का ही लेजर है, यानी कि इसकी अपोजिट एंट्री को लिखेंगे। तो इसकी अपोजिट एंट्री होगी कैश अकाउंट। तो इसकी पोस्टिंग हम करेंगे इस कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो डेट में लिख देंगे 2021 अप्रैल 1। तो क्रेडिट साइड जब हम पोस्टिंग करेंगे तो जो भी हम अकाउंट का नाम लिखेंगे उसके पहले हम बाई का यूज़ करेंगे। कैपिटल अकाउंट की अपोजिट एंट्री है कैश अकाउंट, तो यहाँ बाई कैश अकाउंट, यह अमाउंट में हो जाएगा 1 लाख। तो यह हमारी जो एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इसका हम लेजर बना चुके हैं। अब ये जो हमारी सेकंड एंट्री है परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो आइए परचेजेज अकाउंट का लेजर बनाते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे परचेजेज अकाउंट। अब ये जो जनरल एंट्री की गई है इसमें परचेज अकाउंट को डेबिट किया गया है, तो हम जो परचेज अकाउंट का लेजर बनाए हैं उसकी भी पोस्टिंग हम डेबिट साइड ही करेंगे, पर हम परचेज अकाउंट का नाम नहीं लिखेंगे, इसकी अपोजिट जो एंट्री है, इसका अपोजिट जो अकाउंट है उसका नाम हम उसमें लिखेंगे, यानी कैश अकाउंट का। तो यहाँ डेट लिख दे 2021 अप्रैल 2।
तो यहाँ हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट 50,000। अब नेक्स्ट है हमारा टू कैश अकाउंट यानी कैश अकाउंट का लेजर। तो कैश अकाउंट का लेजर हम पहले ही बना चुके हैं, बस उसमें हम पोस्टिंग करेंगे। तो कैश अकाउंट इसमें क्रेडिट है, तो कैश अकाउंट के लेजर में हम क्रेडिट साइड ही लिखेंगे इसकी अपोजिट एंट्री को यानी परचेजेस को। अब इसमें डेट लिख देते हैं 2021 अप्रैल 2। तो कैश अकाउंट की अपोजिट एंट्री जो है वह है परचेजेस अकाउंट। तो क्रेडिट साइड लिखने के लिए हम बाई के यूज़ करेंगे, बाई परचेजेस अकाउंट। अब अमाउंट है हमारी 50,000। नेक्स्ट हमारी एंट्री है अप्रैल 4 को, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रमेश। अब यहाँ फिर से परचेज अकाउंट आया है, तो परचेज अकाउंट का लेजर हम पहले ही बना चुके हैं, तो उसमें हम बस एंट्री कर देंगे। तो ये परचेज अकाउंट का लेजर है। अब जर्नल में परचेज अकाउंट डेबिट है, तो हम परचेज अकाउंट के डेबिट साइड ही पोस्टिंग करेंगे इसकी अपोजिट एंट्री को। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रमेश है, तो यहाँ हम रमेश का नाम लिखेंगे, टू रमेश 25,000। अब अगला जो हमारा लेजर अकाउंट बनेगा वो बनेगा रमेश का। इस तरह जो भी हम जर्नल एंट्री करते हैं, जितने भी अकाउंट होते हैं, हम सबका लेजर बनाते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे रमेश। अगर आप रमेश के आगे अकाउंट वर्ड के यूज़ करना चाहते हैं तो एपोस्ट्रॉफी एस लगाकर आप उसे लिख सकते हैं। तो यहाँ रमेश को क्रेडिट किया गया है 25,000 से। तो जब हम रमेश के लेजर में हम इसकी पोस्टिंग करेंगे तो वह क्रेडिट साइड ही करेंगे, पर इसकी अपोजिट एंट्री को हम वहाँ लिखेंगे। तो 2021 अप्रैल 4, अब इसकी अपोजिट एंट्री है परचेज, तो यहाँ हम परचेज लिखेंगे, तो बाई परचेज अकाउंट 25,000। तो यह हमारा रमेश का अकाउंट भी बन गया है। अब ये अगली एंट्री है हमारी अप्रैल 10 को, रमेश डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर जो हमारा अगला ट्रांजैक्शन हुआ है वह रमेश के ही साथ में हुआ है, जिसकी एंट्री की गई है। ये नरेशन से ही हमें पता चल रहा है कि बीइंग अमाउंट पेड टू रमेश बाई चेक, रमेश से जो गुड्स परचेज की गई थी उधार पे, अब उसका पेमेंट चेक के थ्रू किया गया है। तो इसमें रमेश को डेबिट किया गया है और बैंक को क्रेडिट। एक हमारा रमेश का लेजर अकाउंट होगा और दूसरा बैंक अकाउंट होगा। तो रमेश का अकाउंट पहले से ही बना हुआ है, तो उसी में हम इसकी पोस्टिंग कर देंगे। तो रमेश डेबिट है, तो डेबिट साइड हम पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहले डेट लिख देंगे 2021 अप्रैल 10। अब रमेश की अपोजिट एंट्री है टू बैंक, तो यहाँ पर टू बैंक अकाउंट 20,000। तो यह रमेश की पोस्टिंग हो गई है। अब अगला अकाउंट है हमारा ये बैंक अकाउंट, इसको क्रेडिट किया गया है। तो बैंक अकाउंट का एक लेजर बना लेते हैं, यह हमारा फॉर्मेट पहले से ही रेडी है। अब यहाँ पर हम बस लिख देंगे बैंक अकाउंट। तो अब इस बैंक अकाउंट को जब क्रेडिट किया गया है, तो हम इसकी एंट्री क्रेडिट साइड ही करेंगे, पर इसकी अपोजिट वाले नाम को लिखेंगे यानी रमेश का। डेट के कॉलम में हम लिख देंगे 2021 अप्रैल 10 बाई रमेश। अब यहाँ पे 20,000 लिख देंगे अमाउंट में। तो ये बैंक अकाउंट का लेजर भी हमारा बन गया है। अगला ट्रांजेक्शन है अप्रैल 12 को, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो फिर यहाँ पर कैश अकाउंट आया है, तो कैश अकाउंट की हम पोस्टिंग करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट है, इसकी अपोजिट एंट्री सेल्स है। तो कैश अकाउंट का जो हमारा लेजर होगा, उसके डेबिट साइड में हम सेल्स अकाउंट को लिखेंगे। तो यह कैश अकाउंट का लेजर है, इसकी डेबिट साइड हम पोस्टिंग करेंगे। तो डेट में लिख दें अप्रैल 12। अब उसकी अपोजिट एंट्री है सेल्स अकाउंट, तो यहाँ टू सेल्स अकाउंट 10,000। अब आगे हम लेजर बनाते हैं सेल्स अकाउंट का, तो यहाँ लिख देंगे सेल्स अकाउंट। तो ये हमारी एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट है, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में हम कैश अकाउंट को लिखेंगे। लेजर पोस्टिंग करना बहुत ही आसान है, आप इस तरह एक एक करके लेजर अकाउंट बनाते जाएंगे और उसकी पोस्टिंग आसानी से कर सकते हैं। तो सेल्स अकाउंट का हम लेजर बना रहे हैं, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड हम उसकी पोस्टिंग करेंगे, पर उसकी अपोजिट एंट्री को यानी कैश को। तो डेट में लिख दें 2021 अप्रैल 12। अब जैसा कि क्रेडिट में हम लिखते वक्त जो भी अकाउंट लिखते हैं, उसके पहले हम बाई का यूज़ करते हैं, तो बाई कैश अकाउंट 10,000। तो ये सेल्स का लेजर भी हमारा क्लियर हो गया है।
अब अगली जो हमारी जर्नल एंट्री है वह है अप्रैल 15 को, सुरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब इस ट्रांजैक्शन में सुरेश को गुड्स सेल की गई है उधार पर, तो सुरेश को हम डेबिट कर दिए हैं और अपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट। तो सबसे पहले सुरेश का लेजर अकाउंट बनाते हैं। तो हमारा लेजर का फॉर्मेट रेडी है, यहाँ पर लिख देंगे सुरेश। अब सुरेश हमारा डेबिट है, तो सुरेश का जो भी अकाउंट है तो इसका जो लेजर अकाउंट है उसकी हम पोस्टिंग डेबिट साइड ही करेंगे, पर सेल्स अकाउंट को हम वहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ डेट में हम लिख देंगे 2021 अप्रैल 15 टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल की गई है? 5000 की। तो यहाँ 5000 अमाउंट में लिख देंगे। अब अगला लेजर अकाउंट हमारा होगा सेल्स अकाउंट का। सेल्स अकाउंट का लेजर अभी हम बना चुके हैं, तो बस हमें उसमें पोस्टिंग करनी है। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट है, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में हम इस सुरेश को लिखेंगे। तो ये रहा हमारा सेल्स अकाउंट का लेजर, इसकी क्रेडिट साइड हम सुरेश का नाम लिख देंगे। तो डेट लिख दें अप्रैल 15 बाई सुरेश। कितने की सेल की गई है? 5000 की। तो 5000 यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह हमारे ये सारे लेजर अकाउंट बन गए हैं। ये हमारा कैश अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट का लेजर है, ये परचेजेस अकाउंट, ये रमेश का अकाउंट, ये हमारा बैंक अकाउंट का लेजर हो गया, ये सेल्स अकाउंट का, ये सुरेश का। तो जितनी भी जनरल एंट्री थी सबके लेजर हम बना चुके हैं। अब ये लेजर बनाने के बाद ये जो हम पोस्टिंग किए हैं इन सारी अमाउंट को हम ऐसे ही नहीं छोड़ देते हैं, इसकी हम बैलेंसिंग करते हैं, इसका बैलेंस निकालते हैं। तो अब बैलेंसिंग को हम अगली वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों बस अब उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि जर्नल से हम लेजर में कैसे पोस्टिंग करते हैं। अब अगली वीडियो जो हमारी होगी वह इस लेजर के बारे में ही होगी, जिसमें हम कुछ ट्रांजैक्शन को लेकर सबसे पहले हम उसकी जर्नल एंट्री करेंगे, फिर उसके बाद उसकी हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे और उसके बाद उन सारे लेजर अकाउंट का हम बैलेंस निकालेंगे, यानी फिर बैलेंसिंग करेंगे। तो इस तरह बैलेंसिंग किस तरह की जाती है यह भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस चैनल से जुड़े रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, या बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन रखें ताकि आगे की आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।